हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो शाम हो चुका है और हम छठ बगल में छठ हो रहा है उनके यहाँ जाने के लिए रेडी हो गए हैं। और ये ब्लॉग मैं शाम को शुरुआत कर रही हूँ, शाम से अभी उनके यहाँ जाना है। हम रेडी हो गए हैं, आधी आधी लगभग रेडी हो गई है, उसको थोड़ा सा अभी रेडी करना है मुझे, उसका मुँह वो पोछना है जी। मैं देखिए ब्लू कलर की साड़ी पहनी हूँ, रेडी हो गई हूँ छठ पूजा में जाने के लिए। और मैं कैसी लग रही हूँ देखते देखते सो गए हैं, वो नींद आ गई है। और ये आद्या जी हैं, येलो कलर का ड्रेस पहन के रेडी हो गई हैं, इनका टाइम नहीं निकल पा रहा। और सबसे पहले तो आप लोगों की छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, तहे दिल से शुभकामनाएं। और छठ माँ आप सबको खूब ढेर सारा सुख शांति दे, जो जो आप लोग की मनोकामना है सारी चीजें पूर्ण करे और साथ में मेरी भी पूर्ण करे। अभी हम 4 साल बाद छठ में फिर से, मतलब हमको मिला है, 4 साल पहले मिला था। हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग को बहुत कम ही मिल पाता है, तो अच्छा लग रहा है छठ में। हमारे घर पे नहीं हो पा रहा हुआ है क्योंकि कोई डेथ कर गया है, तो नहीं होता है एक साल, तो वही हम लोग का है, तो दूसरे के यहाँ हो रहा है, फिर भी अच्छा लग रहा है। गाइस, तो हम लोग छठ घाट से, मतलब बगल वाले के घर से आ गए हैं और अब आद्या के लिए केला बनाने जा रहे हैं, उसको खिलाएंगे। उसका टाइम हो गया है शाम का खाना खाने का, तो केला छील लिए हैं, अब इसको दूध में खिलाएंगे। गाइस, तो मेरे पैर में ना मोच आ गया है। आद्या किसी के पास जा नहीं रही थी, उसको लेके मैं उनके घर, जिनके घर छठ हुआ था, गई थी, तो छत पे चढ़ना था और किसी के पास नहीं जा रही थी, उसको लेके चढ़े हैं, उसी की वजह से ना मेरे पैर में ना घुटने में मोच हो गया है और दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हुआ, देखते हैं, ठीक से चल नहीं पा रहा है। जब चल रहा है ना तो हल्का हल्का सा ना घुटने में दर्द हो रहा है। हेलो गाइस, तो आज जैसा कि सबको पता है कि 19 तारीख है और छठ पूजा भी है और इंडिया का वर्ल्ड कप भी, मतलब फाइनल हो रहा है। और इंडिया का गाइस ना, मतलब कंडीशन देख के ना, मतलब कमजोर दिख रहा है। रन है 248 ही टोटल रन है, मन दुखी भी हो रहा है और प्रे भी कर रहे हैं कि इंडिया जीत जाए। आद्या के पापा सुबह से रूम से नहीं निकले हैं, इनका मन दुखी है। अब पूछते हैं इनसे कि आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं रूम से निकल रहे, क्यों क्यों क्या हुआ आपको, क्यों क्या लग रहा है, ये आद्या ना परेशान कर रहा है इसको, जब भी कुछ होता है ना तो ऐसे में इसको भी कुछ बोल रहा है, बताइए। इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी, तो क्यों मन दुखी किए हैं? मन 240 रन ये कम है रन, मतलब दो विकेट ले चुके हैं और मतलब दो चाहिए 100 के अंदर, 100 के अंदर दो चला जाएगा तो इंडिया जीत सकती है, तो प्रेशर में आ जाएंगे।
तो प्रेशर में आ जाएगा, प्रेशर में दुनिया हिल जाती है। तो इधर मैच मोबाइल पे ही देखा जा रहा है रूम के अंदर, सुबह से रूम के अंदर। और आध्या इधर बेचारी, आध्या आपको क्या लग रहा है इंडिया जीतेगी? इंडिया जीतेगी। टमटरवाद बोलो, ये ना ईद होती नहीं है गाइस, इसको ना आप लोग कमेंट में बताइए कि कोई भी चीज आता है तो धुलना चाहिए कि नहीं। मैं ना तुम्हारी सच्चाई सबको दिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है। धुलना चाहिए कि नहीं कोई भी चीज बाहर से आता है तो? धुलना चाहिए, लेकिन ये घर पे क्या है, मेरे ख्याल से धुला होगा। अरे फिर भी मतलब धो लेना चाहिए। तो ये ना मैगी बना रही है आद्या के पापा के लिए, मम्मी और चाची ब्रत है और दिन का खाना मतलब बच गया है तो थोड़ा ही बनाना होगा, तो मैंने सोचा कि आलू का पराठा ही बना देते हैं, थोड़ा ही बनाना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो अब ना मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में जैसा कि मैं बताई थी कि आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो उसका चोखा बना के मैंने पहले से ही रख दी थी। कुछ पराठा मैं बना चुकी हूँ, और मैं कुछ पराठा जैसा कि मैंने दिखाया कि बना चुकी हूँ, और अभी थोड़ा और बनाना है। तो पराठा बनाने के बाद चटनी बनाएंगे टमाटर का, मिर्चा का, और हम ही लोगों को खाना था इसीलिए मैंने ना सब्जी का ताम झाम नहीं रखी हूँ। सोची कि बच्ची है छोड़ेगी नहीं, पता नहीं कैसे, वो तो खेल रही है नहीं तो छोड़ती नहीं है मुझे, बस वो खेलती भी है ना तो चाहती है कि मैं वहीं पे बैठी रहूं, तो वही है उसके साथ अभी खेल रही है। उसके पापा एक्चुअली खाली है ना तो देख रही है, तो थोड़ी सी मतलब मुझे छोड़ी हुई है, नहीं तो छोड़ती नहीं है, वो खेलती भी है तो मुझे चाहती है कि मैं वहीं पे रहूं। और यही हाल वहां भी कर दी थी ग्रेटर नोएडा में भी, इसीलिए मतलब दिक्कत होती है। हाँ देखो, देखिए गाइस वो आ भी रही है, उसको थोड़ा दिखा दो, वो आ भी रही है क्योंकि पापा खाली है ना तो थोड़ी सी मतलब बिजी है। तो मैं आलू का पराठा, गाइज गाइज आद्या का ना मुंह आप लोग ध्यान से देखिए कि ये क्या किए, दूध पी रही थी, इनका मुंह देखिए, ये पूरा दूध का मारी है फचा कूला मार के, और पूरा मेरा सूट उट सारा चीज गंदा कर दी। क्या की हो बेटा दूध को, क्या की हो? कूला। टीम इंडिया हार गई, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं, हार गई नहीं मतलब क्यों क्यों हारी है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कि आप हारे हैं। नहीं मतलब टीम इंडिया हारी है तो ठीक, तो क्यों हारी है टीम इंडिया? ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ये लोग, और लक ना थोड़ा मतलब साथ नहीं दिया। लक को आप तब ना कहेंगे जब ये लोग 300 रन मारा होता, तब ना लक को कहेंगे। यही है कि हाँ मतलब लोगों को रिस्पांसिबिलिटी खेल के बाद कम से कम पारे 300-300 रन बनाना चाहिए था, पर आज कोई नहीं चला, जो जो खेल रहा था कोई नहीं चला, कोई नहीं चला। मुंह उतर गया है किसका? आपका। सबका उतर गया है, इसका तो हंस रही है। आद्या टीम इंडिया हार गई, आप क्या कहना चाहोगी? ये अच्छा ये बताओ, आज आज से ना मेरी क्रिसा बेटू है, और तुम किसकी बेटू हो? नहीं मेरी बेटू नहीं हो, बोल दो बुई की, बुई की बेटी। तुम क्यों सिखा रही हो उसको, उसको बोलने दो ना। आदू तुम किसकी बेटी बेटू हो? आद्या ना वहाँ पे गई थी तो कह रही है ना लहंगा दो मेरे से, और चूड़ी मांग रही थी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं इसको अभी चाहिए। और ना वहाँ पे डांस का डेक बंद हो जा रहा था ना, तो ऐसे कर रही डांस कर रही, और हम तुम्हें रह रहा के करंट मारता है क्या कोई चीज? हींग ले ले बटर नहीं आता। हींग मैंने बेड पे कहाँ से आ गया, हींग है, हींग ही है, अरे हींग बोल रहे हैं, हींग ले ले बटर, टीम इंडिया जीत जाए शायद।